तो आईसीसी सीजन 8 का मैच नंबर 58 होने जा रहा है, ओडिशा एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर एफसी। शाम 7:30 बजे से तिलक मैदान स्टेडियम पर मैच स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर चाहो तो इस मैच को ऑनलाइन हॉटस्टार जियो टीवी और ऑन फुटबॉल पर देख सकते हो। इसके अलावा आप अगर टीवी में देखना चाहते हो तो आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क फॉलो करना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग इस मैच के प्रीव्यू कर लेते हैं। मैं आपको दोनों टीमों का स्टेक्स बताऊंगा, दोनों टीमों का क्या लाइनअप हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा और कौन जीत सकता है इस मैच को उसके ऊपर भी चर्चा रहेगा। तो आपको सब कुछ अगर जानना है इस मैच रिलेटेड तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। तो इस मैच पे एक तरफ है ओडिशा एफसी जो कि अभी पॉइंट टेबल के 8वें पोजीशन पर खड़ा है 13 पॉइंट के साथ 9 मैच खेलकर, लेकिन रिसेंटली इनका फॉर्म हमें नजर आया है। मुंबई सिटी एफसी की इन्होंने 4-2 से हराया है, एक बहुत ही बड़ा और उमदा टीम को उन्होंने हराया है, बहुत अच्छी तरीके से कमबैक किया है। खास करके इनका अटैक बहुत ही शार्प नजर आया है लास्ट 2-3 मैचों में। इसके अलावा सिर्फ इनको डिफेंसिव लाइन पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर थोड़ा लैक हो रहा है। केरला ब्लास्टर एफसी की अगर बात किया जाए लास्ट 9 मैचों में भाई अनबीटन रन इनका चल रहा है, सीजन का हाईएस्ट है। केरला ब्लास्टर एफसी को लास्ट टाइम इन्होंने हराकर उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था, वो भी भाई 8 मैचों में अनबीटन चल रहा था, लेकिन केरला ब्लास्टर एफसी उनको ही हराकर उनके जो रिकॉर्ड है इसको रोक कर अपना रिकॉर्ड को और भी बेहतर कर लिया है। तो केरला ब्लास्टर एफसी भी भाई एक खासा फॉर्म में नजर आ रहा है, अटैकिंगली बहुत ही शार्प है, साथ साथ इनका डिफेंसिव लाइन भी बहुत ही उम्दा नजर आया है। तो दोनों के बीच एक अच्छा मुकाबला हम लोग उम्मीद करेंगे और एक हाई स्कोरिंग मैच भी आपको शायद नजर आ सकता है। चलिए अब दोनों टीमों का एक बार स्टेक्स हम लोग देख लेते हैं। तो पहला अगर ओडिशा एफसी के स्टेक्स देखा जाए तो इनका हेड कोच लास्ट मैच पे मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अपने असिस्टेंट कोच के साथ एक अच्छा डिस्प्ले हमें दिखाया था ओडिशा एफसी ने। जेरी उस मैच पे टोटल 2 गोल लगाया था मुंबई सिटी एफसी के खिलाफ, साथ साथ उन्होंने एक असिस्ट भी किया था और उसके बाद एटीके के साथ इनका मैच होना था, लेकिन वो मैच भाई कोरोना के चलते कैंसिल हो गया था कोविड के चलते। और अब नेक्स्ट मैच वो खेलने जा रहे हैं केरला ब्लास्टर एफसी के खिलाफ, और केरला ब्लास्टर एफसी के खिलाफ खेलना उतना आसान नहीं होगा उनके लिए क्योंकि केरला ब्लास्टर एफसी का अटैक बहुत ही ज़्यादा शार्प है और सबसे ज़्यादा ओट्स डिफेंसिव साइड भाई अभी ओडिशा एफसी ही नज़र आ रहा है। 9 मैचों में उन्होंने 22 गोल कंसीड किया है, तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है ओडिशा एफसी के लिए क्योंकि डिफेंसिवली बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहा है। 4-2 से हालांकि उन्होंने मुंबई सिटी एफसी को हराया है, लेकिन बहुत सारा गोल भी उन्होंने उससे पहले कॉन्सीड किया था। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अब ओडिशा एफसी को काम करना पड़ेगा अपने डिफेंसिव लाइन पर। इनका जो अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, सिर्फ अगर डिफेंसिवली अच्छी तरीके से काम कर लेता है तो केरला ब्लास्टर एफसी को शायद वो रोक सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं केरला ब्लास्टर एफसी की बात करूँ तो केरला ब्लास्टर एफसी का जो भाई तिकड़ी है अपफ्रॉन में दयाज अलवर वाजकेज और एड्रियन लूना ये शानदार भाई परफॉर्मेंस कर रहा है, साथ साथ भाई सपोर्ट है यहाँ पर अब्दुल समाद का, इन्होंने भी भाई 4 गोल लगाए सीजन में। तो इनका जो अटैकिंग लाइन है भाई रेड हॉट फॉर्म में चल रहा है, इनको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। डिफेंसिवली अगर मैं बात करूँ तो जैसल कन्नेरो अभी तक बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ था, उसके बाद हरमनजोत खाबरा ने भी भाई अच्छा खेला था, लेकिन इस मैच पर कहीं ना कहीं ये दोनों शायद अनअवेलेबल रह सकता है। निशु कुमार शायद कमबैक फिर से कर लेगा प्लेइंग 11 में, लेकिन जैसल कन्नेरो अपने इंजरी के चलते इस मैच पे 100% नहीं खेल पाएगा, यानी कि वो बाहर ही रहेगा। हरमनजोत खबरा जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाउटफुल है, लेकिन वो शायद बेंच पर रह सकता है और एक नया डिफेंसिव सेटअप के साथ शायद केरला ब्लास्टर एफसी को इस मैच पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर एक चांस बन सकता है ओडिशा एफसी के लिए। तो दोनों के बीच एक अच्छा मुकाबला होगा, एक हाई स्कोरिंग मुकाबला आपको शायद देखने को मिल सकता है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि एक इंटरटेनिंग मैच हमें फिर से देखने को मिल जाए। इसके बाद चलिए हम दोनों टीमों का जो न्यूज है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ओडिशा एफसी के लिए भाई उतना ज़्यादा इंजरी कॉन्सर्न नहीं है, उनका ऑलमोस्ट सभी खिलाड़ी कन्फर्मली अवेलेबल है। उसके बाद केरला ब्लास्टर एफसी का अगर बात किया जाए तो राहुल केपी, अल्बिनो गोम, जैसल कन्नेरो, उसके बाद जैक्सन सिंह, इन सभी खिलाड़ी को भाई शायद आप लोग नहीं देख पाएंगे उनके इंजरी के चलते, ये सभी अभी तक पूरी तरीके से फिट नहीं हुआ है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के लाइनअप के बारे में। ओडिशा एफसी का अगर मैं बात करूँ तो इनका फॉर्मेशन 4-3-3 रह सकता है, गोलकीपिंग में कमलजीत सिंह, उसके बाद हेनरी, गौरव बोरा, विक्टर मुंगिल, साहिल पनवर, जेडी थोइबा सिंह, लिली डॉन, उसके बाद नंद कुमार शेखर, जबी हर्नांडेज, जनाथस, तो इस तरीके का भाई इनका प्लेइंग 11 होगा। उसके बाद अगर केरला ब्लास्टर एफसी की बात किया जाए तो इनका फॉर्मेशन 4-4-2 आपको नजर आ सकता है, गोलकीपिंग में प्रभसुखन गिल, उसके बाद हरमनजोत खाबरा,
यहाँ पर मैं उनको फिर से शामिल कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा डाउटफुल है लेकिन खेल भी सकता है। उसके बाद मर्कोलिस को भी रोई बहाबीपम धनचंद्र मेहती साल अब्दुल समाद जिक्सन सिंह को यहाँ पर मैं शामिल कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत डाउटफुल है लेकिन फिर भी मैं रखने की कोशिश करूँ, अगर ठीक ठाक हो जाता है क्योंकि उनके पास टाइम बचा है तो शायद फिट भी हो सकता है। उसके बाद पुइटिया एड्रियन लूना जॉर्ज डायज और अल्वारो वाजक्वेज। तो ये रहा मेरी तरफ से दोनों टीमों का प्लेइंग 11 इस मैच के लिए, दोनों टीमों का लाइनअप। आप लोग भी क्या सोच रखते हो कमेंट करके जरूर बताना। अब चलिए हम कुछ फैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो केरला ब्लास्टर्स एफसी इस सीजन में सबसे ज़्यादा क्लीन शीट हासिल किया है। इस सीजन में उन्होंने टोटल 4 क्लीन शीट हासिल किया है जो कि इस सीजन का बेस्ट है। उसके बाद ओडिशा एफसी का भाई बेस्ट होम रिकॉर्ड रहा है इस सीजन, लेकिन उनका वर्स्ट अवे रिकॉर्ड भी है, यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छा खेला है उन्होंने अपने होम मैचों में और सबसे खराब खेला है इस सीजन में अपने अवे मैच में। उसके बाद एड्रियन लूना भाई सबसे ज़्यादा चांसेस क्रिएट किया है इस सीजन, सबसे बड़ा बड़ा जो चांस केरला ब्लास्टर्स की तरफ से आया है वो एड्रियन लूना ने ही क्रिएट किया है, और इस सीज़न का बिग चांसेस उन्होंने ही क्रिएट किया है सबसे ज़्यादा 7 चांस इन्होंने क्रिएट किया है जो कि एक बहुत ही बड़ा चांस था। तो ये रहा भाई इस तरीके का कुछ फैक्ट। अब चलिए हम विनिंग परसेंटेज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इस मैच के लिए विनिंग परसेंटेज पिक करना थोड़ा भाई कठिन है क्योंकि दोनों ही टीम बहुत बेहतरीन तरीके से लास्ट कुछ मैचों में खेला है, खास करके केरला ब्लास्टर्स एफसी बहुत ही कंसिस्टेंसी से खेल रहा है। तो यहाँ पर मैं केरला ब्लास्टर्स एफसी को ही चूज करना चाहूँगा। केरला ब्लास्टर्स एफसी का जितने का चांस रहेगा 60% और 40% यानी कि 40% रहेगा ओडिशा एफसी का। आप लोग भी क्या सोच रखते हो विनिंग परसेंटेज के ऊपर कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँ।